ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 101 ਮਲਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਅਰਦਾਸ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हमें उनकी मंशा का मालूम भी होता है, फिर भी हम बातचीत सुनने जाते हैं। इसलिए भी हमारे पक्ष का ये कहना है भी कोई ये ना कहे भी हम बातचीत से रास्ता नहीं निकालना चाहते। अब लगभग कल का समय निकल गया, आज 4 बज गए, सरकार की ओर से कोई भी बात है नहीं, कोई इस तरह का उनका संदेशा नहीं है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास आंदोलन का रास्ता खुला है, तो दोनों फोरमों ने जो निर्णय लिया है कि हम लोग जो अगला जत्था है वो 14 को रवाना करेंगे, 101 आदमी का 14 दिसंबर को 101 किसान मजदूर का जत्था फिर दिल्ली कूच की ओर रवाना होगा मर्जीबुड़ों का। और जो भी परिणाम पहले निकले हैं, जिस तरह से हमारे किसान घायल हुए हैं, आज जो खनौरी पर हो रहा, इस सब की जिम्मेवारी मोदी सरकार के ऊपर है। इसके लिए हमने क्या सोचा, एक तो आज सरदार मेजर सिंह अभी तरन तारण से हैं, उनके माथे पर रबट की गोली लगी थी, उनको पीजीआई रेफर करा जा रहा है। हमने देखा जैसे दिलबाग सिंह रेस्क्यू क्यू में थे, हमारे लेता थे, शायद उनको आज शाम को रजिंद्रा से छुट्टी मिल जाए। जो हमारे नेता अभी स्वस्थ होके मोर्चे में आए हैं वो अभी भी अच्छी तरह से घूम फिर नहीं सकते। तो हम जब अगले जत्थे का ऐलान करते हैं, इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जितने किसान जख्मी हुए हैं उनकी रिकवरी हो जाए, अच्छे हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो फिर भेजेंगे। आगे जिस तरह से आप देख रहे हैं, और मैं कहता हूं बिशर्मी की भी कोई हद होती है, जब खट्टर जैसे बोलते भी अब अन्य व्हीकलों के ऊपर दिल्ली चले जाइए, और पहले क्या बोलते रहे भी आप पैदल चले जाइए। तो केंद्र के अथवा केंद्र के भाजपा के राज्य मंत्री अपनी विश्वंतिया जी विश्वासता है वो गवा चुके हैं जो हम समझते हैं। इसी के साथ साथ दोनों फोरमों ने ये भी डिसाइड किया है कि कल हम लोग प्रार्थना दिवस, पंजाबी में अरदास दिहाड़ा, जो मोर्चों की भलाई के लिए, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, किसी भी अन्य पूजा पाठ की जगह हो, वहां पर ये अरदास दिहाड़ा मनाएंगे। मोर्चे के जो भी जीत की कामना की जाएगी, दिल्ली कूच सफल हो, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य बढ़िया हो, और जो भी जख्मी हो चुके हैं उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, ये मोर्चे की भलाई के लिए लगभग देश भर में हमारा आह्वान है, पंजाब में हमारा आह्वान भी। गुरुद्वारे में जाएं, सुबह प्रसाद कराएं और अरदास करें मोर्चे की चढ़ती कला की, और उनके लिए प्रार्थना करें। इसी तरह से जो भी देश भर में अपने अपनी आस्था के अनुसार मोर्चे की भलाई की अरदास करें। और आप देख रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आए, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी बोला नहीं है। और फिर वो राजस्थान गए, और जहां जहां राजस्थान के संगठनों ने वहां प्रदर्शन किया वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो दोनों फोरमों ने एमपी के घरों के आगे प्रदर्शन करना था, कुछ जगह पर वहां भी एमपी के घर के सामने प्रदर्शन करने की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसी तरह से अभी दिल्ली वाले किसान भी रिहा नहीं हुए हैं। तो दोनों फोरमों की मांग है भी जहां भी पीसफुली ढंग से
किसान मजदूर अपना प्रदर्शन करते, उनके प्रदर्शन करने का हक है, उन सबको रिहा किया जाना चाहिए। और फिर हम आज जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, पंजाब अथवा अन्य राज्यों के गायक हैं, हमारे धार्मिक जितने भी नेता हैं, हमारे धार्मिकता में बहुत से सिख समाज में रागी ढाडी कीर्तनीय होते, सबको विनती है कि आप जहां जहां प्रोग्राम करते हो तहां तहां आप लोग किसान आंदोलन की जय जरूर कराया करो, यही सपोर्ट हमारी बहुत बड़ी होती है। अब म्यूजिक इंडस्ट्री में जो पैलसों में जाते गायक, उनका फोन आया था भी हम कैसे करें, हम बोले भाई जब प्रोग्राम शुरू होगा उससे पहले आप किसान मजदूर की बात कर लो, ये भी हमारी अपने आप में सपोर्ट हो जाएगी। जहां भी आप कार्यक्रम करते हो तो किसान मजदूर की जय बोलो, आंदोलन की जय बोलो, ये भी हमारी सपोर्ट हो जाएगी। अब ब्रह्म के साहब अपनी बात करेंगे। सारे पत्रकार भाईचारे नूं सत श्री अकाल। जिस तरह पंधीर साहब ने दस्या कि कल नूं ठीक शंभू बार्डर दी स्टेज दे उपर पाठ करन तों बाद अरदास बेनती कीती जाएगी, जिहड़ी कि डल्लेवाल साहब दी सेहतयाबी, जख्मी होए किसानां दी सेहतयाबी और मोर्चे दी चढ़दी कला वास्ते अरदास बेनती जिहड़ी उह कीती जाएगी। नाल ही असीं देशवासियां नूं हरेक नागरिक नूं तुहाडे माध्यम राहीं अपील करदे हां कि कल नूं हरेक गुरद्वारा मंदिर मस्जिद सब थावां ते मोर्चे की चढ़दी कला वास्ते अरदास बेनती की जाए, ताकि यह मोर्चा अज 303 दिन दे विच शामिल हो चुका है। भावें सरकार दे नाल डेडलॉक जारी है पर साडा अंदोलन भी जिहड़ा वह इस तरह जारी है। इस तरह 14 दसंबर नूं असीं 101 किसानां जिहड़ा जत्था हैगा वह दिल्ली वल नूं कूच करन वास्ते यह जिहड़ा इत्थों स्टेज तों रवाना किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी तेजवीर जी, धन्यवाद सभी पत्रकार साथियों का। आज ह्यूमन राइट डे है, आप सबको पता है आज मानवता अधिकार दिवस है। तो आपने देखा कि पिछले लगभग मतलब के 10 महीने के अंदर या पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा कि कितना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो हसदेव के हो, चाहे किसान आंदोलन हो। इसमें देखा गया कि सेंटर की सरकार द्वारा कैसे अमानवीय व्यवहार करते हुए आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेटें किसानों और मजदूरों के ऊपर चलाई जा रही है, सीधा ह्यूमन राइट का हनन किया जा रहा है। पर एक हैरानीजनक बात है कि एक बड़े किसान नेता, आज उनका 15वां दिन हो चुका है, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल अमर अनशन चलते हुए, उनकी फोटो तक शेयर करने से बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डर रहे हैं। ये डर किस बात का है? पूरे विश्व में आज ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, तो जितना मतलब के जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार शंभू मोर्चे पर हुआ है वो सारे देश ने देखा है, तो उसके लिए आपको आवाज उठानी चाहिए। और दूसरा के आने वाली 13 तारीख को इस आंदोलन के पूरे 10 महीने पूरे हो जाएंगे, तो हम पूरे देश के किसान मजदूर साथियों से आह्वान करते हैं कि वो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पहुंचे और अपने हकों की आवाज बुलंद करें। इसमें कहीं पर भी कोई भी रुकावट आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक बड़े प्रोग्राम कार्यक्रम 10 महीने पूरे होने पर 13 दिसंबर को किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर जैसे अब मीडिया को रोके जाने वाली घटनाएं थी, अगर आपको रोका जाता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज बंद की जाती है या कहीं आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आप दोनों मोर्चों के लीडरों के साथ, कोऑर्डिनेशन मेंबरों के साथ संपर्क कर सकते हैं या हमें इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। पर लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और वहां भी अभी अडानी अबानी के मुद्दे बड़े उभारे जा रहे हैं, तो आपने देखा कि किसानी मुद्दे साथ साथ चल रहे हैं लेकिन विपक्ष और पक्ष दोनों ही कहीं ना कहीं अभी मुखर आवाज में वो आवाज बुलंद नहीं हो रही है। और आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे आप देखोगे कि अभी जो हालात हैं पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर और हरियाणा को दोबारा से मतलब के खुली जेल के अंदर तब्दील करने की जो कोशिश की जा रही है, अभी हमारे पास सूचना थी कि इंटरनेट हरियाणा में तो जैसे बंद है 9 तारीख से, अभी वो खोला नहीं गया है अम्बाला के अंदर,
और पंजाब में उसको 1.5 किलोमीटर तक वो प्रभावित किया जा रहा है, जिसमें लोकतंत्र की आवाज को दबाने की एक साजिश की रची जा रही है। सारे पत्रकार भाइयों को नमस्कार। जैसे कि पहले ही बोला जा चुका है कि 14 तारीख को हमारा जो अगला जत्था है वो जाएगा दिल्ली को, दिल्ली कूच करेगा। उसके लिए हम सभी पंजाब के लोगों को आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग 13 तारीख को ही पहुंचिए, क्योंकि 13 तारीख को हमारे यहाँ 10 महीने पूरे हो जाएंगे, 300 दिन हो जाएगा, 10 महीने हो जाएंगे, दिन तो 300 से ज्यादा हो जाएंगे। तो 13 तारीख को ही पहुंचे, ताकि 14 तारीख को जब हमारा जत्था जाएगा तो बहुत सारी जनता जहां आसपास होगी, तो वो जत्थे के लिए भी बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाने की बात होगी। सभी महिलाओं को मैं खास तौर पे अपील करती हूं कि आप जरूर बड़ी संख्या में 13 तारीख सुबह ही पहुंचने की कोशिश करें, और 14 का सारा दिन भी हम जहां ही बड़ी गिनती में रुकेंगे और बाद में ही अपनी ड्यूटियां बदलेंगे 14 के बाद, क्योंकि हम लोग ऐसा ही करते हैं कि एक जत्था आता है एक जाता है। तो जो भी जत्थे आने वाले हैं सबको मेरा यही आग्रह है कि आप 13 की सुबह तक जरूर पहुंच जाइए। 13 का भी पूरा प्रोग्राम हम करेंगे और उसके बाद 14 का जो जत्था जाएगा उसको भी हम सपोर्ट करेंगे। हाँ, जसविंदर सिंह लौंगोवाल। देखो, जिस तरह सारे बुलारियां ने एक गल स्पष्ट की थी भी, जो भी प्रोग्राम किसान मजदूर मोर्चा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने लिखे उन्होंने लगातार आपां करदे जा रहे हैं। जिवें तुहानूं स्पष्ट रूप दे विच कह चुके हैं कि 14 दसंबर का दिन फिर उसे तरह एक बड़ा दिन किसान अंदोलन का बन जा रहा है। जिवें पहला दो दिन पूरे दुनिया की नज़र इस अंदोलन ते लगी कि 101 बंदियां नू भी खाली हाथ जिहड़े नहत्ते दिल्ली नू जा रहे ने, केंद्र की सरकार ते कहण दे उत्ते हरियाणे दे बार्डरां ते रोकिया जा रहा है, उन्हां ते अथरू गैस ते गोले सुट्टे जा रहे ने, ते लोकां दे सामने एक ड्रामा हरियाणे की पुलिस कर रही है फुल्लां दी वर्खा करके, सिरां दे उत्ते फुल्लां दी वर्खा दे राहीं भी उहदे च कोई इस तरह के कैमिकल मिलाए गए जिहड़े हानिकारक सन सेहत लई, अखां लई, चमड़ी लई, पैरां दे विच किल गड्डे होए जिथे किसान खड़े सन, पैरां दे विच एडे एडे सरियां दे किल, उपरों फुल सुटने। ये दुनिया तो लुकियां नहीं गल्लां कि किसानां दे नाल की बिहार केंद्र दी सरकार दा की रवैया कीता जा रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट दे विच इना ही, फिर हाजिर होवांगे, तद तक लई दिओ इजाजत ते वेखदे रहो टीवी पंजाब।